हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक ही होंगे? तो मैं हूं विक्रम कुमार, शाइन स्कूल कासाबाद हैदराबाद। जी बच्चों, हम लोग मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया में घूम रहे हैं। तो आज की क्लास में जो मैथमेटिक्स समझेंगे सीखेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पेपर पर मौजूद है। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 14 समझेंगे। समझने के लिए रेडी है? रेडी रहें ताकि हर चीज आप समझ सकें, सीख सकें, कंप्लीट कर सकें। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 चल रही है, 1 से लेकर 14 पार्ट तक हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन 1 के पार्ट्स में सब प्रॉब्लम तकरीबन एक ही वे से सॉल्व हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब आप इजीली वे से समझा रहा हूं, सीखे आप लोगों ने प्रॉब्लम्स तो एक्सपर्ट हो गए। जरूर सीखना, प्रैक्टिस करनी है, कंसंट्रेशन समझना है। तो आइए आज का प्रॉब्लम समझते कैसे होगा। अब देखिए आपके सामने प्रॉब्लम मौजूद है, 2x²-3(4)/3(x³)(3)dx। ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स माइनस, दोनों को होल पावर फ्रैक्शन में है, अंदर जो वेरिएबल उसके पावर x², बाहर जो वेरिएबल x³(3)dx। देखते हैं ये कैसे मैंने होगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यही चीजें हैं जो समझनी है आप लोगों को, यही पॉइंट्स हैं जो आपको फुली कंसंट्रेशन समझनी है, कैसे टर्म मैनेज हो रहा है। तो आइए समझते हैं, सिंपल है, कोशिश करनी है, सही है, हार नहीं माननी। एक बार ना समझ में आए 10 बार समझिए, 1000 गुना समझी तक आपको समझ में आ जाएगा। समझनी है तो सही है। अब देखिए, लेट सपोज टी इक्वल टू 2x²-3 फ्रैक्शन पावर था इस टर्म पे, सपोज दिया मैंने सिंगल वेरिएबल, ऐसे समझते आ गए। जिस नंबर पे फ्रैक्शन पावर है, सिंगल वेरिएबल नहीं है, तो उसको एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स वेरिएबल पी, तो कोएफिशिएंट है डी बाई डी एक्स x²-d/dx³। ठीक है बेटा, हर टर्म को सेपरेटली लिखो। अब देखो ये dp/dx, 2x² की डेरिवेटिव करेंगे, 2 आगे आ गया है, पावर में 1 माइनस हो गया। अब पावर x का, तो x की डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 एंड कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0। सही है, क्लियर ये स्टेप, गौर से समझिएगा। dp/dx चला गया। अब ये टर्म सपोज किया यहां पर dx के साथ x³ है, मतलब हमारे पास x(dx) 4 मल्टीप्लाई है, तो 4 जो मल्टीप्लाई में इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, आ गया डिवाइड में, सिंपली dx के साथ x वेरिएबल मिलाया है, मगर वहां पर प्रॉब्लम में x³ है, वो बाद में देखते हैं कैसे मैंने जोड़ा, मगर यहां पर ये चीज क्लियर है, समझ में आई। अब देखिए क्या हमें समझने की बात है। अब देखिए dx के साथ x मिला है, हमारे पास एक्चुअली x³ है, तो x³ को हम अगर x²(x)dx लिखे तो सही है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो x²(dx) की जगह पे हम ये रिप्लेस करेंगे, बाकी x² तो यहां से फाइंड करेंगे, है ना, मसले की बात सही है। तो आइए ये समझते हैं, यहां से 2x² के साथ 3 प्लस माइनस में उस साइड पे प्लस हो जाएगा, सही, एंड देन x² के साथ ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई वाला 2 उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये x²(p+3/2) आई बात समझ में। तो अब देखिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे मैनेज हो रहा है, यही चीज आपको समझनी है, चाहे किसी फॉर्म प्रॉब्लम हो गौर से समझिए ताकि हर टर्म इजीली समझ सके। अब वापस इक्वेशन नंबर को टेक आउट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो वो है 2x²-3 पावर में
4 अपॉन 3 एक्स क्यूब इनटू dx, ये क्वेश्चन एज इट मैंने लिखा हो, अब इसको मैनेज कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अब आप देखते जाइए कैसे मैं रियलाइज कर रहा हूं, कैसे मैनेज कर रहा हूं। इस स्टेप में 2x² - 3 4 अपॉन 3 पावर में सेम है, ये x स्क्वायर इनटू x एंड dx, x पावर 3 को ब्रेकआउट किया x स्क्वायर इनटू x इनटू dx, सही है, ये समझ में आ रही, ठीक। अब क्यों ब्रेकअप किया ये आपको सिस्टम में आंसर मिलेगा। 2x² - 3 को सपोज लिया हमने b के इक्वल, पावर में 4/3 से x स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो x स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट किया p+3/2 p+3/2 x स्क्वायर की वैल्यू, एंड x * dx के साथ वो हम ये dp/4 dp/4 आ गया x * dx ही जाएगा। अब स्थिति समझ में आई क्यों ब्रेकअप किया, फिर जिससे पार्ट्स में टुकड़ों-टुकड़ों में ब्रेकआउट कर दिया है, जिस फॉर्म में जिस वे से हमें वैल्यू मिली थी उस तरीके से तो लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा, क्लियर ये स्टेप। अब आगे रिजल्ट है p/4/3 ये p+3 एंड dp 2 एंड यहां पर 4 है, 2 4 = 8, तो 1/8 एज ए कोफिशिएंट हमने बाहर निकाल दिया, डिवाइड का हर टर्म मल्टीप्लाई, क्लियर ये स्टेप। अब आगे देख क्या होता है, 1/8 p/4/3 ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे +3 p/4/3 ब्रैकेट ओवर है dp, दोनों टर्म के साथ सेपरेटली मैंने लिखा, सही है बेटा। अब देखें ये 1/8 मल्टीप्लाई में बेस साइन में 1 टर्म लेकर पावर आपस में प्लस करेंगे 4/3 + 1 3p/4/3 एंड dp रिमेंस है, ओके बेटा ये चीज समझ में आई, बेस साइन में पावर प्लस किया, अब 4/3 में प्लस हो रहा है 1, फ्रैक्शनल टर्म है एलसीएम लेकर प्लस करेंगे, 1 के बाद में कुछ भी नहीं मींस 1 शो किया, एलसीएम डिनोमिनेटर 3 एंड 1 की लेंगे तो आंसर होगी 3, 4/3 में नंबर वही एलसीएम तो 4 रिमेंस है, 1/3 में कुछ भी नहीं है एलसीएम वाला 3 से मल्टीप्लाई में आ गया 4+1 = 3/3 = 7/3 4+3 = 7, सही है, बेसिक एलसीएम में हर प्रॉब्लम में समझते आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 1/8 p/4/3 में 1 प्लस करने के बाद आंसर इसका मिला 7/3 प्लस ये 3p/4/3 सेम है एंड dp, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1/8 कोफिशिएंट है p/7/3 dp 1/8 कोफिशिएंट है 3 इसका ऑलरेडी कोफिशिएंट मौजूद है p/4/3 एंड dp के साथ इंटीग्रेशन, सही है बेटा। 1/8 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का कोफिशिएंट है, सही, सेपरेटली इंटीग्रल फॉर्म में लिखा। अब इनकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, आइए समझते हैं कैसे परफॉर्म करेंगे, ये रेस कराओ क्योंकि इंटीग्रेशन समझ लिया। अब इंटीग्रेशन जब परफॉर्म होगी ये 1/8 p/7/3 है, इसमें 1 प्लस करेंगे सेम एस एच डिवाइड में आ गया, सही है। सो अब आगे देखिए क्या हो रहा है, प्लस 1/8 × 3 मींस 1 3 = 3/8 यहां पर भी p/4/3 इंटीग्रेट करेंगे तो 4/3 में 1 प्लस जो पावर है p पे, अब वही सेम एज डिवाइड में आ गया, इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुकी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है बेटा क्लियर है। अब देखिए सिंपलीफिकेशन, अब एलसीएम है और कुछ भी नहीं, 1/8 p/7/3 में 1 प्लस करना है, फ्रैक्शन में वही एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर 1 के मान कुछ भी नहीं 1 एंड ये 3 एंड 1 की एलसीएम 3 हो गई, 7/1 नंबर वही एलसीएम में तो 7 रिमेंस सेम, 1 × 3 क्योंकि 1 के अपान में कुछ भी नहीं है तो सेम एलसीएम वाला नंबर मल्टीप्लाई में आया, समझ में आई है। अब देखें 7 + 1 = 3 / 3 तो हो जाएगा
टेन अपॉन थ्री, सेवन प्लस थ्री मीन्स टेन अपॉन थ्री। ठीक है बेटा, ऐसे समझ में आई सही है। तो p पे पावर में टेन डिवाइडेड बाय थ्री अपॉन इस टाइम यही टर्म है, तो टेन डिवाइडेड बाय थ्री अपॉन में भी लिखेंगे। ओके बच्चों आगे बोलते थ्री डिवाइडेड बाय p पे पावर फोर अपॉन थ्री में वन प्लस करेंगे, फोर अपॉन थ्री में वन प्लस करेंगे। अगेन सेम यही एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मींस क्या है वन, थ्री एंड वन की एलसीएम होगी थ्री। ठीक, फोर अपॉन में जो नंबर है वही एलसीएम है, मींस फोर मींस सेम, वन अपॉन में कुछ भी नहीं है, एलसीएम वाला टर्म सेम है, तो मल्टीप्लाई आएगा सही है। सो फोर प्लस वन थ्री इज थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, फोर थ्री सेवन डिवाइडेड बाय थ्री, समझ में आया एलसीएम। तो इसकी जगह पे लिखेंगे सेवन डिवाइडेड बाय थ्री अपॉन में सेवन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है बच्चों क्लियर है? ठीक सर, ये एलसीएम यहां पर भी हमने समझी थी फोर अपॉन थ्री प्लस का। ठीक है, अब वन अपॉन एट फ्रैक्शन में जो टर्म है टेन डिवाइडेड बाय थ्री, थ्री अपॉन टेन मल्टीप्लाई चेंज करेंगे रेसिप्रोकल होगी, वो फ्रैक्शन तो लूप करेंगे। p सपोज वेरिएबल तो p को वापस रिप्लेस करेंगे, जिसके इक्वल सपोज दिया था p को सपोज दिया था हमने 2x स्क्वायर माइनस 3 पावर में 10 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 8 7 7 अपॉन 3 3 अपॉन 7 एंड ये टर्म 2x स्क्वायर माइनस 3 पावर में 7 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है बेटा समझ में आई चीज, यहां तक सिंपलीफिकेशन हुई है सिंपल। अब आगे देखते जाइए क्या हो रहा है, अब जस्ट सिंपलीफिकेशन है, हम इनको प्लस या माइनस करेंगे सिंपलीफाई करेंगे। 1 3 = 3 10 * 8 हो गया 18, 2x स्क्वायर माइनस 3 पावर में 10 डिवाइड बाय 3 सेम ये हो गया 3 3 = 9 डिवाइड बाय 8 7 = 6, 2x स्क्वायर माइनस 3 पावर में 7 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मल्टीप्लाई डायरेक्ट किया क्योंकि कोई भी टेबल किसी को नहीं लग सकता, नहीं लग रहा, तो उसे सिंपली मल्टीप्लाई करके रख दिया है। ओके बच्चों क्लियर है, सिंपलीफिकेशन हुई आपके सामने, इंटीग्रेशन का ये आंसर मिला सही है। हर चीज अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में समझ में आनी चाहिए, कंसंट्रेशन से समझेंगे तो जरूर समझ में आएगी। एक बार समझ नहीं आ रही तो 10 बार समझें अगर समझनी है चीज तो। ठीक है बच्चों क्लियर है, तो फाइनली अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो हर वीडियो जो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इजीली समझें सीखें टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ठीक है बच्चों क्लियर है एग्री है, तो अब फाइनली नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।